चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं संधि। सबसे पहले समझेंगे कि संधि का जो अर्थ होता है मेल, संधि का मतलब होता है मेल, ध्यान से नोट कर लेना, संधि का अर्थ होता है मेल, ये बात को ध्यान रखें। इसको जोर भी बोल सकते, जोर मेल बोल सकते या जोर बोल सकते, इस बात को ध्यान रखना। यानी संधि का अर्थ होता है जोर या मेल, इस बात को ध्यान रखें भाई। अब क्या होता है कि इसकी अगर परिभाषा की बात करेंगे तो कहते हैं दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, नोट कर लेना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, यह ध्यान रखिए भाई, संधि कहते हैं। उसके बाद यहां से पॉइंट आती है, ध्यान रखेंगे, जैसे उदाहरण की बात करें कि संधि का उदाहरण क्या क्या होगा, तो उदाहरण की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट होगा, जैसे हम बोलते हैं दुष्ट, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दुष्ट, तो दुष्ट को तोड़ोगे यानी इसका संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा दू प्लस ट, दू प्लस ट, तो यह हो गया आपका संधि विच्छेद, ये बात को ध्यान रखेंगे, दू प्लस ट, ठीक है। तो मैंने बताया संधि का अर्थ जो होता है मेल या जोर, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब इसके बाद पॉइंट बनेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो बोलेंगे संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं भाई, एक होता है स्वर संधि, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विसर्ग संधि, नोट कर लो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, नोट करते चलना, स्वर व्यंजन और विसर्ग, इस बात को ध्यान रखिए भाई। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, स्वर के बारे में, देखेंगे ध्यान से, स्वर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसके पांच भेद होते हैं, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए भाई, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। जो पहला होगा, जो पहला होगा वो होगा आपका दीर्घ संधि, पहला जो होगा वो होगा आपका दीर्घ संधि, दूसरा होगा गुण संधि, तीसरा होगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा होगा यन संधि, और पांचवा होगा आयादि संधि, इस बात को ध्यान रखिए भाई। ये पांच कंसेप्ट है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादि संधि। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं, जब भी दीर्घ संधि का ट्रिक है तो इसमें पकड़ना है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये बात को ध्यान देंगे भाई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये आएगा दीर्घ संधि में, इस बात को ध्यान देंगे भाई। गुण संधि की बात करेंगे तो ए, ओ, अर, ये आएगा आपका किसमें, ये आएगा आपका गुण संधि में, ए, ओ, अर, ये गुण संधि में आएगा। उसके बाद बात करेंगे वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि में ए आएगा और ओ आएगा, एक होता ए, एक होता ए, एक होता ओ, एक होता ओ, तो इसे बोलेंगे ए और ओ, ठीक है ना, या बड़ा ए भी बोल सकते हो या बड़ा ओ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यन संधि में आता है य, र और व, ये हो गया आपका किसमें, यन संधि में, याद रखेंगे यन संधि में जो आएगा य, र और व। और आयादि में क्या आएगा, आए, आए, आओ, आओ, आए, आए, ओ, आओ, इस बात को ध्यान रखना भाई, आए, आए, ओ, आओ, इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो ये किस में आएगा, आयादि संधि में, तो ये पहले नोट कर लो। तो मैंने आपको बताया दीर्घ संधि में जो बताया आ, बड़ ई, बड़ा ऊ और री, गुण संधि में हमने बताया आपका ए, ओ, अर, वृद्धि में बताया आए और ओ, यण में बताया य, र, व, और आयादि में बताया आए, आए, ओ, आओ, ये बात को ध्यान रखिए भाई।
इससे आपकी यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है और यह पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि, यानी स्वर संधि के ये पांच भेद था, स्वर संधि के पांच भेद था, ठीक है ना। ठीक है, दो स्वरों के आपस में मेल से बने संधि को स्वर संधि कहते हैं। भाई इसके पांच दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाधि। दीर्घ संधि में आप बड़े ई बड़ा उरी, गुण में ए ओ अर, वृद्धि में ए और अ, यण में य र व, आयाधि में आय आय ओ और आओ। ये ध्यान रखें। अब यहां से हमें पहचान कैसे लेनी है, कैसे पकड़ना है इस संधि के बारे में, तो देखेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि की पहचान है, जैसे मैं बोलूं कि परमात्मा, परमात्मा, तो सबसे पहले देखना है परमा, तो आ रहा है, तो आ गया आपका दीर्घ संधि में हो गया। जैसे मैं बोलूं अतु, अतु, तो ई बोल रहे हैं, तो ये किस में आ गया भाई? दीर्घ में आ गया। ये बात को ध्यान रखिए भाई। जैसे मैं बोलूं लघुर्जा, तो लघु, तो ऊ आ रहा है, तो ये भी हो गया दीर्घ संधि की पहचान। लघुर्जा में ऊ आ रहा है, तो ये भी हो गया दीर्घ संधि की पहचान। उसके बाद ये जो री वाली बात है, तो जैसे एक वर्ड होता है पितरन, ये वर्ड एक ही है पितरन, ऐसे पढ़ना चाहिए इसको पितरिन, लेकिन कुछ लोग पितरन पढ़ते, तो जिसमें री की मात्रा आ जाएगी, बात को ध्यान रखना, री इसमें री आ रहा है, पितरिन री, तो ये किस में आ गया? दीर्घ संधि में, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे मैं बोला था रामा अवतार, रामा अवतार, हां ये बात ध्यान रखना, रामा अवतार, ये बात को ध्यान रखना। जैसे बोला लघुर्जा, तो ये इसी में आ गया। अब बात करते हैं गुण संधि में, ध्यान रखना गुण की पहचान कैसे करना है। जैसे गणे ए, तो ये आ रहा है भाई। जैसे हम बोले परोपकार, तो परो ओ, ओ इसमें आ रहा है। जैसे राजर्षि, राजर अर, राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, तो अर अर सब में आ रहा है, राजर अर, देवर अर, तो राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये सब किस में आएगा? गुण संधि में आएगा, इस बात को ध्यान रखिए भाई। उसके बाद बात करेंगे वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में होगा। जैसे एकैक, तो एकैक बोल ले, तो ये हो गया वृद्धि में एकैक। जैसे बोलेंगे परमोज, ओ परमो, तो ये किस में आएगा? वृद्धि संधि में, याद रखेंगे भाई, ये किस में आएगा? वृद्धि संधि में। उसी तरीके से यहां पर जैसे यण संधि के देखो, जैसे मैं बोलूं ऐसे एक वर्ड हो पर्यावरण, देखो पर्यावरण, जैसे हो गया स्वागत, स्वागत, तो पर्या, तो इसमें या आ रहा है, परी प्लस आवरण होता है, इसको तोड़ोगे तो पर्या। जैसे स्वागत में स्वा हुआ, सु प्लस आगत होता है, तो ये किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा यण में। जैसे मैं बोलूं छात्रालय, छात्रालय, तो छात्रा त्रा, जो त्रा त्रा आ रहा है, त्रा रा, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ गया किस में? पित्रालय, ये किस में आ जाएगा? यण संधि में। तो इसमें बोले पर्यावरण पर्या, इसमें बोले आपको छात्रालय पित्रालय, इसमें बोला गया स्वागत स्वा हुआ, तो ये इसमें आ गया यण संधि में। इसमें कैसे समझेंगे इसका? जैसे मैं बताऊं चयन, चयन, हवन, पावक, पावक, पवन, ठीक है ना, उसके बाद शयन, ये सब देख लो किस में आ गया? इसमें आ गया। जैसे चयन, चयन आय, चयन में इसमें आय आ रहा है, आय की पॉइंट आ रही है। हवन आओ की आ रहा है, पावक पाव आओ आओ आवक आओ का आ रहा है, इस तरीके से इसमें आओ का आ रहा है, ये हो गया। तो ये किस में हो गया भाई? ये हो गया आपका स्वर संधि के पांच भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाधि संधि। इस बात को नोट करो, कर लिए, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें भाई। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने पढ़ा सबसे पहले स्वर संधि के पांच भेद, इसकी पहचान करनी है। जैसे कोई बोलेगा एकैक, तो आप लिखोगे ऐसे एकै, तो इसमें आ रहा ए, तो अब देख लो ए किस में होगा, ठीक है जी। जैसे कोई बोले परमोज, तो परमो ओ, ओ की मात्रा देखो किस में आ रहा है, तो आप खुद देखो किस में बोलोगे? वृद्धि में, आप देख लो खुद। जैसे हमने बोला राजर्षि, राजर अर, तो आप देखो किस में आएगा, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। जैसे मैं कहूं सुरेश, सुरे ए, देख लो भाई, तो सुरेश किस में आएगा, ठीक है ना। जैसे कहूं तथेव, तथेव माने उस पर डबल है, तो किस में आ जाएगा? वृद्धि में। तो ये पहला हम लोग क्लियर कर लिए, कौन सा? ये स्वर संधि के पांच भेद, याद रखना। अब इसके बाद हमें व्यंजन और विसर्ग की पॉइंट पढ़नी है, ठीक है ना।
तो व्यंजन तो इजी है, थोड़ा सा विसर्ग पहले देख लो। तो विसर्ग में कैसे आता है पॉइंट देखेंगे। जैसे विसर्ग, तो विसर्ग में आपको पकड़ना कैसे है देखिए, जैसे बात होती है, जैसे एक टाइप होता दुर्जन, ये एक टाइप क्या हो गया दुर्जन, एक तो ये हो गया। एक जैसे होगा दुशाहस, इस तरीके से ये एक अलग टाइप की हो गया। जैसे एक टाइप का हो गया मनोज, ये एक टाइप का हो गया। जैसे हो गया मनोज, हो गया सरोज, हो गया सरोज, यशोदा हो गया, यशोदा एक टाइप का हो गया। जैसे दुष्ट हो गया, ये एक टाइप का। सारा टाइप का अलग अलग मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें निर्धन भी हो जाएगा, निर्धन निर्धन, ठीक है जी। इस तरीके का ध्यान रखना। तो इसको कैसे तोड़ना है आपको ध्यान रखें भाई, तोड़ने का तरीका आपको बताता हूं। क्योंकि विसर्ग संधि में विच्छेद आता है, यानी संधि विच्छेद करने के लिए आता है, तो कैसे तोड़ना है, ठीक है भाई। तो ये जैसे दुर्जन है, इसमें क्या करना है कि यहां से ये पॉइंट को हटा देना है, ये हटा देना है। मतलब दू प्लस जन, ये हो गया दुर्जन, दू प्लस जन, ये ध्यान रखेंगे भाई दुर्जन। जैसे निर्धन में कैसे तोड़ना, ये हटा दो पॉइंट को, नी प्लस धन, ये ट्रिक है सब, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बस हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरा पॉइंट को निकाल सकते। जैसे निर्बल, नी प्लस बल, जैसे इसमें से ये पॉइंट हटा दो, इसको कट पीस में बोलते हो, इसको हटा दो, दू प्लस साहस, ये हटा दो, बस हो गया। जैसे यहां पर देखो, ये ओ की मात्रा वाला हटा दो, मतलब इसको करोगे मन प्लस ज। जैसे आप सरोज को बोलोगे सरह प्लस ज, यशोदा को बोलोगे यश प्लस दा, यश प्लस दा, ये हो गया। इसमें ये हटा देना है बस, दुह प्लस ट। तो स्वर संधि पहचानने के लिए आता है, और विसर्ग संधि क्या आता है भाई, आपको विसर्ग संधि में तोड़ने के लिए आता है, और व्यंजन संधि में क्या होता है, जोड़ने के लिए होता है। इस बात को देना, इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी नोट कर लो, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट को बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। हो गया। अब इसके बाद व्यंजन संधि के देख लो, बहुत इजी होता है। व्यंजन में एक तो पहचान क्या है कि हलंत लगा रहेगा। व्यंजन संधि की पहचान है, व्यंजन संधि की पहचान है कि एक तो हलंत लगा रहेगा। जैसे एक वर्ड है जगत अप्लस अंबा, अंबा तो ये बन जाएगा जगदंबा। तो ये देखो भाई, एक तो ठीक है ना, वाक प्लस ईस, वागीस, ठीक है ना भाई। एक तो हलंत की पॉइंट होती है, इसे बोलते हैं हलंत। जगत प्लस अंबा, जगदंबा, ठीक है भाई। जैसे तत् प्लस भाव, तद्भाव, तत् प्लस भाव, तद्भाव, इस तरीके से ध्यान। तत् प्लस लीन, तल्लीन, इस तरीके से बहुत इजी होता है व्यंजन संधि में। इसमें जोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जोड़ लोगे, सारा पॉइंट को जोड़ लोगे, ठीक है जी। अब यहां से बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे पित प्लस अंबर, क्या बोलोगे, पीतांबर। तो जहां जहां हलंत वाला पॉइंट होता है, इसको जोड़ना, जब ऑप्शन मिलता है तो सारा जुड़ जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या है पहले सुन लो, यहां से क्वेश्चन क्या क्या है इसको सुनना है और बताना है, इसकी प्रैक्टिस को, इसकी प्रैक्टिस को बताएंगे। जैसे आपको बताना पहला सदैव, कौन से संधि के उदाहरण है सदैव। सदैव स्वर संधि तो है, स्वर में किसका है भाई, आप देखो सदैव, आप खुद बताओ सदैव, डबल की मात्रा है भाई, तो किसमें होगा वृद्धि। रामावतार, रामावतार बोलो, रामावतार किसमें होगा भाई, दीर्घ संधि, क्योंकि आ गया भाई, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखिए भाई। उसके बाद है, उसके बाद है नेक्स्ट बताएंगे मनोहर। अब एक छोटा पॉइंट है,
हा विसर्ग मनोहर, मना प्लस हर, ठीक है जी, मना प्लस हर, इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर हो गया। अब जैसे वाक प्लस ईस होगा तो क्या होगा वागीस, ये क्या होगा वागीस होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे तत् प्लस लीन तल्लीन, क्या होगा तल्लीन, ये जोड़ने के लिए आता है, बहुत इजी होता है व्यंजन का। उसके बाद आपको बताना है, नेक्स्ट बताना भाई, स्वागत किसमें होगा, स्वागत कौन से संधि के अंतर्गत आएगा, वा स्वा वा, बताइए किसमें होगा, हाँ इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर। इसके बाद बताना, इसमें जितना क्वेश्चन आया मैं आपको पूछ रहा हूं, जैसे आप पर्यावरण बताएंगे, पर्या या बोलो यन संधि में, क्लियर हो गया भाई। और सन्मति यानी सत प्लस मति, सन्मति त न में बदल रहा है, सन्मति त न, तो इसमें सबसे पहले क्या पॉइंट होगा भाई, ये होगा आपका व्यंजन संधि, किसमें होगा व्यंजन संधि, इस बात को ध्यान रखना। सरोज किसमें होगा, जो संधि छोटा है तोड़ने में दिक्कत हो रही है विसर्ग, सरा प्लस ज सरोज, मनोज का मना प्लस ज, यशोदा का यस प्लस द, मनोरथ का मना प्लस रथ, दुष्ट का दू प्लस ट, निर्जन का नी प्लस जन, दुर्जन का दू प्लस जन, ठीक है ना। जैसे दुष्कर्म है उसको तोड़ना है तो आदर्श होगा, तो आदर्श का दू प्लस कर्म, दू प्लस कर्म याद रखेंगे भाई, इस तरीके से होगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद और बताना, जैसे है आपका परोपकार, परो ओ ओ किसमें आएगा भाई बताओ, ए ओ और किसमें आएगा, गुण संधि के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे जी। चलिए आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बताना भाई, सप्तर्षि सप्तर्षि सप्तर अर अर बताओ भाई, गुण संधि में ए ओ और बताए थे, तो सप्तर्षि राजर्षि देवर्षि ये सब किसमें आएगा भाई, गुण संधि में। नायक किसमें आएगा, नाय आय आय, आयादि में बताए थे ना भाई, बोलो क्या बताया था आयादि में, क्या ट्रिक था, आए आए ओ और आओ, ये किस में आएगा भाई, आयादि में, तो नायक, ठीक है ना। पावक पावन हवन चयन शयन भवन, हाँ बिल्कुल नयन आ जाएगा बिल्कुल, ये सब किस में आ जाएगा भाई, ये आपका आएगा किस में बताओ भाई, आयादि संधि में, बहुत बढ़िया। आगे बताना भाई, दयानंद किस में आएगा, दयानंद दयानंद दया आ आ बोलो भाई, ठीक है भाई, तो किसमें आएगा, दीर्घ संधि में। चंद्रोदय किसमें आएगा, चंद्रोदय चंद्रो ओ गुण संधि में, क्लियर। सूर्योदय किसमें आएगा, सूर्यो ओ गुण संधि में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई। अब यहां से नेक्स्ट बताना भाई, जल्दी जल्दी आपको बताना, महेश किसमें आएगा, महे ए ए किसमें आएगा भाई, क्लियर हो गया। तो यहां से जितनी पॉइंट है आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले बताया संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं भाई। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि आयादि संधि। दीर्घ संधि का ट्रिक बताया, आ बड़ी ई बड़ा उ री, ठीक है ना भाई। और गुण संधि का क्या बताया, ए ओ अर, और वृद्धि में बताया ए और अ, यण में बताया य र व, और आयादि में बताया आए आए ओ और आओ, इस तरीके से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी। और यहां पर स्वर संधि को पहचानने के लिए आता है, व्यंजन संधि को जोड़ने के लिए, और तोड़ने के लिए जो आता है किसको, विसर्ग संधि को, ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया, क्लियर होगा कि नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।